Children, today I will teach you use of A or N. A or N in the article. A और एन एक आर्टिकल है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, लेकिन द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल है। ये आप लोग को नहीं पढ़ना है द के बारे में। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू दिस, बट योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, सो आई रिवाइज अगेन। प्लीज लेट्स नो अबाउट देम। बच्चों आज मैं आपको ए और एन का यूज बताऊंगी कि कहाँ ए और एन का यूज होता है और किस तरह होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम समझें इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इंग्लिश अल्फाबेट ये होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देन 5 आर वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं, बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? वॉवेल्स के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ? जनरली वी यूज एन वॉवेल के पहले हम एन का यूज करते हैं, ए का यूज कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं। वॉवेल लेटर से जो वर्ड शुरू होते हैं उसके पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम ए लगाते हैं। तो वॉवेल से पहले शुरू होगा, जैसे ए से शुरू होगा बहुत सारे लेटर ए ई आई ओ यू वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन सा है? ए ई आई ओ यू। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रही हूँ। ए से एप्पल, ए से एन, ए से एरो, ए से एरोप्लेन। तो ये ए से शुरू होता है, वर्ड्स के पहले हम एन का यूज करते हैं। तो आप इसे
वाली है तो कंसोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं, जैसे बी से दो, बी से बॉल, तो बॉल के पहले हम ए लगाएंगे, सी से कैट, कैट के पहले भी हम ए लगाएंगे, डी से डॉग, तो डॉग के पहले भी हम बी लगाएंगे, एफ से फिश, फिश के पहले भी ए लगाएंगे। इस तरह जितने भी कंसोनेंट्स हैं, ई एफ जी से बोट, बोट के पहले भी हम ए लगाएंगे, एच से हैं, हैं के पहले भी ए लगाएंगे, जे से जग, जग के पहले भी हम ए लगाएंगे, के से काइट, काइट के पहले भी हम ए लगाएंगे, एन से मैंगो, मैंगो के पहले भी ए लगाएंगे, एन से नेक्स्ट, नेक्स्ट के पहले भी ए लगाएंगे, और पी से कैरोट, कैरोट के पहले भी ए लगाएंगे, क्यू से क्वीन, क्वीन के पहले भी ए लगाएंगे, आर से रैड, रैड के पहले भी ए लगाएंगे, एस से सी, सी के पहले भी हम ए लगाएंगे, टी से ट्री, ट्री के पहले भी हम ए लगाएंगे, बी से वैन, वैन के पहले भी ए लगाएंगे, डब्ल्यू से वॉच, वॉच के पहले भी ए लगाएंगे, एक्स से एक्सरे, एक्सरे के पहले भी ए लगाएंगे, वाई से डार्क, डार्क के पहले भी ए लगाएंगे, और जेड से जेब्रा। तो इस तरह हम कंसोनेंट्स के पहले हम ए लगाएंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। वॉवेल से पहले हम ए का यूज करते हैं और कंसोनेंट्स से पहले हम एन का यूज करते हैं। ए और एन का यूज केवल हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब ही एक होता है। सो चिल्ड्रन, लेट्स लर्न इट एट योर होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।